तो हेलो गाइस गाइस, आज हम बनाना सीखेंगे इस प्रकार का कॉन्टिन्यूटी टेस्टर। जी हाँ, ये सिरिंज और इंजेक्शन से बना है। मतलब आपके पास कोई यूजलेस इंजेक्शन हो, आप उससे इसको बना सकते हो। तो इस प्रकार की इसकी लाइटिंग होगी। बहुत ही सिंपल सा ये कॉन्टिन्यूटी टेस्टर है, जो आपके बारीक से बारीक जो सर्किट होते हैं उसको भी टेस्ट कर सकता है, क्योंकि इसके आगे इतनी बारीक सिरिंज लगी हुई है। मैं आपको इसी वीडियो में इसको बनाना भी सिखाऊंगा और इसकी टेस्टिंग भी करके दिखाऊंगा कि इससे टेस्ट कैसे करना है। जैसे देखिए कितना बारीक सर्किट है इसके अंदर। देखिए यहाँ पर छोटे छोटे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। इसी प्रकार से अगर आपके पास भी कोई भी सर्किट हो जिसमें छोटे छोटे रेजिस्टेंस या डायोड लगे हो, तो आप इससे इजिली चेक कर सकते हो, क्योंकि इसकी सरिंज का जो साइज है वो कहीं पर भी जाकर अटैच कर सकते हो आप। यहाँ पर जैसे कि मैं छोटा सा बटन है, मैं आपको इसको टेस्ट करके दिखाता हूँ। देखिए शॉर्ट हुआ हुआ है, मतलब खराब बटन है। तो इसकी मैं आपको टेस्टिंग दिखाता हूँ। देखिए इजिली यहाँ पर टच हो रही है। तो इसलिए ये जो कॉन्टिन्यूटी टेस्टर है, बारीक से बारीक सर्किट को टेस्ट कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए मोबाइल फोन है हमारे पास, यहाँ पर इसका भी आप सर्किट देख सकते हो, कितने बारीक बारीक इसमें छोटे छोटे जो सामान लगा हुआ है, जैसे कि छोटे छोटे रेजिस्टेंस, डायोड और एसी, अलग अलग चीजें इसमें लगी हुई हैं। तो आप इससे इजीली उसको टेस्ट कर सकते हो। तो चलिए गाइस, इसको बनाना देखते हैं कैसे इसको बनाते हैं। तो गाइस, इसके लिए सबसे पहले आपको एक खाली इंजेक्शन चाहिए होगा। ये कोई भी पुराना इंजेक्शन आप ले सकते हो, जिसको पहले कभी यूज किया हो वो भी इंजेक्शन आप ले सकते हो, नहीं तो मार्केट से न्यू वाला भी लेकर आ सकते हो, बहुत ही सस्ते में पड़ जाएगा। और एक हमें इस प्रकार की सिरिंज चाहिए होगी, ये भी आप यूज की हुई ले सकते हो, क्योंकि इसका कोई खास काम नहीं है। तो इंजेक्शन में देखिए इस प्रकार से होल बना लिया है। आप किसी भी चाकू या किसी भी चीज से इसको गर्म करके होल कर सकते हो। और जो हमारी सिरिंज है, इसका जो आगे वाली ये नीडल लगी हुई है, इसको आपने इस प्रकार से निकाल लेना है। ये बहुत ही इजिली निकल जाती है। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये सिरिंज है और इसकी जो आगे वाली ये टिप है, इसको पकड़कर मैंने बाहर निकाल लिया। तो अब हमने क्या करना है, एक टॉयज कोई भी जो खिलौने होते हैं ना बच्चों के, उसमें ऐसे सर्किट, मतलब ऐसे एलईडी बल्ब लगा होता है और उसमें ये सेल पड़े होते हैं, तो वो उसमें ये जलता रहता है। तो आपने देखा होगा कई बार छोटे छोटे खिलौनों में ये निकलते हैं। तो इसको मैंने निकाल लिया और यहाँ पर देखिए सिरिंज के आगे भी मैंने एक, सॉरी इंजेक्शन के आगे भी मैंने एक होल बना लिया है, जहां पर हमारी जो एलईडी लाइट है वो हम डालेंगे अंदर से। ठीक है, तो मैं आपको कर दिखाता हूँ इसको पूरा का पूरा सर्किट, फिर आपको समझाऊंगा कैसे करना है। बट आपको पहले मैं वायर दिखा दूं। तो देखिए यहां से मैंने वायर को निकाला है। देखिए ये वायर को मैंने सबसे पहले यहां पर निकाला और सिरिंज को आगे लगाकर इसके यहां पर हम यहां पर इसके लगा देंगे। ठीक है, और इसके साथ हम सोल्डिंग कर देंगे ताकि जो हमारी वायर है इसके साथ जुड़ जाए। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपने भी कर लेना है। और एक इंजेक्शन हमने और लेना है और सेम इसी प्रकार से उसको बना लेना है, बस उसमें हमने कोई कटिंग नहीं करनी। तो यहाँ पर देखिए मैंने दोनों को अच्छे प्रकार से लगा लिया। मैं आपको समझाता हूँ इसको किस प्रकार से मैंने लगाया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, दूसरे इंजेक्शन में तो मैंने कुछ खास नहीं किया, एक वायर को अंदर डालकर सीधा सिरिंज के साथ मैंने सोल्ड कर दिया। और यही वाली वायर मैंने यहां से निकालकर यहां पर डाली हुई है, मतलब दूसरे वाले इंजेक्शन में आती है। तो यहां पर देखिए एक वायर को मैंने इसके साथ जोड़ लिया, मतलब सिरिंज के साथ जोड़कर एलईडी लाइट के एक लेग के साथ जोड़ लिया, दूसरी लेग मैंने इस सेल के साथ जोड़ी हुई है और इस सेल के साथ मैंने इस वायर को जोड़ा है। ठीक है गाइस, तो अभी आप समझ गए होंगे कि जो ये वाली लेग है ये सिरिंज के साथ जुड़ी है, एलईडी लाइट की ये वाली लेग। ठीक है, और दूसरी वाली लेग सेल के साथ डायरेक्ट जुड़ी हुई है। तो अब इसको नेगेटिव कनेक्शन तो सेल के साथ डायरेक्ट मिल रहा है, बट जो पॉजिटिव जो कनेक्शन है वो यहां से होता हुआ दूसरी सिरिंज में जा रहा है। तो अब क्या होगा, जब हम ये वाली सिरिंज को दूसरी सिरिंज के साथ अटैच करेंगे, तो एलईडी की जो दूसरी वाली लेग है जहां पर पॉजिटिव कनेक्शन देना है, तो वो अपने आप एलईडी के साथ जुड़ जाएगा। जब हम इसको टच करेंगे आपस में, तो हमारी एलईडी लाइट ग्लो होने लगेगी। तो मैं आपको एक बार कर भी दिखा देता हूँ, इन दोनों को जोड़कर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा कनेक्शन पूरा हो जाता है और एलईडी लाइट ग्लो होने लग जाती है। अब मैं इसको आप अलग अलग सर्किट में आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा, कहीं पर भी अगर हमारी कॉन्टिन्यूटी आ रही होगी तो हम समझ जाएंगे कि वो चीज में कहीं पर भी ब्रेक नहीं है, कहीं पर भी टूटी हुई नहीं है। और जहां पर कॉन्टिन्यूटी नहीं आनी चाहिए, अगर वहां पर आ रही है तो हम वहां पर भी समझ जाएंगे कि वो खराब है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक मोबाइल भी है मेरे पास, तो यहाँ पर इस पे भी देख सकते हो कितने छोटे छोटे जो सामान लगा हुआ है। तो इसको आप इजिली टेस्ट कर सकते हो। तो अभी आपको मैं हमारा मेरे पास एक ब्लूटूथ एयरफोन थे, तो उसका जो सर्किट है वो मैं आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए उसको टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये मेरे पास एक ब्लूटूथ का जो जो पूरा का पूरा चिप है
उसको मैं आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा। यहाँ पर छोटे छोटे यहाँ पर सर्किट लगा हुआ है, तो यहाँ पर ये दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, तो इसको मैं सबसे पहले टेस्ट करके दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ पर अब इसमें एक्चुअली जो खराबी है ना, वो एक्चुअली है इसके बटन में। तो पहले मैं आपको बटन टेस्ट करके दिखाता हूँ। एक्चुअली जो मैंने ये कॉन्टिन्यू टेस्टर में सिरिंज का इसलिए यूज़ किया था ताकि ये बारीक से बारीक सर्किट को टेस्ट कर सके, क्योंकि मार्केट से जो कॉन्टिन्यूटी टेस्टर मिलते हैं उसकी जो आगे की टिप है वो मोटी होती है, काफ़ी बड़ी होती है, तो वो छोटे से छोटे सर्किट को नहीं टेस्ट कर सकते आप उससे, बट इससे आप बारीक से बारीक चीज़ों को टेस्ट कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर LED ग्लो हो रही है, मैं आपको आगे कर दिखाता हूँ। यहाँ पर आप दिख नहीं रहा होगा शायद आपको, तो यहाँ पर आपको इजली जो LED बल्ब है वो दिख रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए ये LED बल्ब ग्लो हो रहा है जब मैं इसकी दोनों लेग के साथ इसको जोड़ता हूँ। तो यहाँ से आपको जजमेंट हो जाएगी कि हमारी जो ये बटन है वो शॉर्ट है, मतलब वो सीधा ही उसमें से करंट निकल रहा है, इसलिए बिना दबाए करंट निकल रहा है, तो हमारा ये बटन ख़राब है। तो हम इस बटन को चेंज कर लेंगे या फिर इसको रिपेयर कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी इजीली हमें प्रॉब्लम का पता चल गया। इतने बारीक जो सर्किट है उसको भी आप इजीली टेस्ट कर सकते हो इस कॉन्टिन्यूटी टेस्टर से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना गाइस, और आप इस प्रकार की कैप का भी यूज़ कर सकते हो इसको बनाने में, जरूरी नहीं आपको इंजेक्शन चाहिए। तो हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और आप भी इसको बनाकर देखिए, आपको भी ये बहुत ज़्यादा आपके काम आएगा। तो थैंक यू सो मच गाइज वीडियो देखने के लिए। मोर वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।